वो अभी जिम में लिफ्टिंग करने के लिए रेडी नहीं है। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, नेट पर भी रिसर्च कर सकते हो, अच्छे से आपको मिल जाएगा। अरे रुको जरा, जिम की मेंबरशिप लेने जा रहे हो क्या भाई? लेकिन उससे पहले ये वीडियो तो देख लो, बिकॉज आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि जिम जाने से पहले क्या करें, जिम से आने के बाद क्या करें, क्या डाइट लें, कौन सी एक्सरसाइज करें और एक्सेट्रा, बहुत सी बातें। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम जिम की मेंबरशिप लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए जब आप पहली बार जिम की मेंबरशिप लेने जाते हो। सो दिस इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू दी मैन सेशन हब। और एक बात और बता देता हूँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दूंगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहला पॉइंट जो आपके अंदर होना चाहिए और वो है, अगर आप किसी जिम की मेंबरशिप लेने जा रहे हो तो आपका माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए, आपके अंदर एक सेल्फ कमिटमेंट वाला एटीट्यूड भी जरूर होना चाहिए। बिकॉज आपको, आप अगर जिम के अंदर एंटर करना है तो आपको खुद को ये बोलना होगा कि भाई मैं अब अपनी पर्सनैलिटी को एक फिट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करके जरूर रहूंगा। लेकिन अगर आप सेल्फ कमिटमेंट नहीं करते हो, खुद से माइंड को सेट नहीं करते हो, तो भाई आप जिम की मेंबरशिप लोगे, 1 से 2 महीने में आप खुद ही टर्न ऑफ हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा, तो ऐसी मेंबरशिप का क्या फायदा? ऐसे तो आप जिम ना ही स्टार्ट करो तो वो ज्यादा बेटर है। सेल्फ कमिटमेंट जरूर होनी चाहिए, आपका माइंड जरूर सेट। सो भाई सेल्फ कमिटमेंट कर चुके हो, अपने माइंड को सेट कर लिया है, अब दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि आप 18 क्रॉस हो तभी जिम ज्वाइन करो। अब भाई ये कोई मजाक बात नहीं है, अगर आप 18 क्रॉस नहीं हो, अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आप एडल्ट हो तभी जिम ज्वाइन करो, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 18 क्रॉस नहीं हो भाई, एडल्ट नहीं हुए हो, तो आपकी जो बोन्स हैं वो अभी जिम में लिफ्टिंग करने के लिए रेडी नहीं है। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, नेट पर भी रिसर्च कर सकते हो, अच्छे से आपको मिल जाएगा कि अगर आप 18 क्रॉस नहीं हो तो आपकी बोन्स लिफ्टिंग के लिए और जिम करने के लिए, अभी उस तरह के मोशन करने के लिए अभी आपकी जो बोन्स हैं वो रेडी नहीं हुई है। तो भाई अभी आप जिम में एंटर मत करो। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो 18 क्रॉस से पहले ही, मतलब 15 या 14 के होते तब से ही जिम स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी हाइट पर भी भाई फर्क पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर याद रखो, अगर 18 क्रॉस नहीं हो तो जिम अभी ज्वाइन मत करो, जिम अभी आपके लिए नहीं है। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो लेकिन जिम अभी आपके लिए। तो भाई तीसरी चीज जो आपको किसी भी जिम की मेंबरशिप लेने से पहले जरूर पता होनी चाहिए और वो है, देखिए भाई जब हम पहली बार किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होती है, हमको वो नॉलेज गेन करनी पड़ती है। लेकिन भाई आप नहीं गेन कर पाए हो, आप ऐसे ही बिना नॉलेज के अगर वहां चले गए हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। बिकॉज वहां पर जो बंदा बैठा है ना, उसको आपसे सिर्फ पैसा अर्न करना है और उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप जिम में फर्स्ट टाइम एंटर करते हो तो वो बंदा जो वहां पर बैठा है वो आपको सप्लीमेंटेशन के लिए बोल सकता है। लेकिन भाई इस बात को जरूर अपने माइंड में बिठा लो कि आप अभी अभी जिम ज्वाइन किए हो, देन आपकी बॉडी अभी सप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी नहीं है। पहले अपनी बॉडी को उस पोजिशन में लेके आओ कि जब उस लेवल पर जब आप आ जाओगे तब आप सप्लीमेंटेशन या प्रोटीन स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले आप सब शुरुआत में आपको सप्लीमेंटेशन या प्रोटीन की जरूरत नहीं है, अभी से आप स्टार्ट मत करिए। जब आपने फर्स्ट टाइम मेंबर ली है तो कम से कम 6 महीने तक आपने बिना किसी सप्लीमेंटेशन के जिम करनी है, क्योंकि शुरुआत में आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आप प्रोटीन जरूर ले सकते हो लेकिन सप्लीमेंटेशन की जरूरत आपको शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज से जरूर अवेयर रहना, क्योंकि वहां पर जो बंदा बैठा है उसको सिर्फ आपसे पैसा अर्न करना है, बाकी उसको आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखो। सो भाई चौथी चीज जो आपको जरूर पता होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और वो है, हम कई बार ऐसी जिम ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि किस तरह की टेक्निक हमको रखनी है, किस तरह का पोस्चर हमको बनाकर रखना है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हम उस तरीके की जिम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं जहाँ पर ट्रेनर होता है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो बंदा वहां पर बैठा होगा वो आपको प्रॉपर से वे में जाकर नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से करना है। तो आप एक बहुत इजी काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, वीडियोस को सर्च करिए
और वहां पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, वहां पर आप टेक्निक समझ सकते हैं। क्योंकि शुरू में मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने यही काम किया, यूट्यूब पर गया, वीडियोस को सर्च करा, टेक्निक को समझा, देन प्रॉपर वे में जब उसको करा तो मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर आप बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है तो आप वहां पर जाकर सर्च करें और वीडियोस को देखकर आराम से एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप जिनको सर्च कर सकते हैं, तो आप चाहें तो अभिनव महाजन जी को सर्च कर सकते हैं, माई बॉलीवुड बॉडी चैनल है उसको सर्च कर सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं कि हर तरह की ट्रेनिंग वहां पर आपको मिल सकती है और उसका कोई आपसे पैसा नहीं लग रहा है। तो वहां पर जाकर आप टेक्निक को सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात जरूर याद रखें कि अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है तो आपके पास मोबाइल है और उसमें यूट्यूब है। भाई फिफ्थ पॉइंट, एक चीज जो है आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप एक फिटनेस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हो तो अपने माइंड में एक बात जरूर रख लो कि हाँ, अगर आप इस चीज को आप शुरू कर रहे हो ना तो इसको सारी जिंदगी तक अपने साथ में रखोगे। बिकॉज फिटनेस जो है आपको बहुत कुछ दे सकती है, और जब आप फिटनेस की दुनिया में आओगे तो आप एक दुनिया को अलग नजरिए से देखोगे और दुनिया भी आपको एक अलग नजरिए से देखेगी। भाई फिटनेस आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है और आपको कॉन्फिडेंस भी देती है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये आपकी लाइफ हर तरीके से चेंज कर सकती है, ये एक लाइफ की आपकी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट भी हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हर बंदे को फिटनेस करनी चाहिए और ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज फिटनेस ज्वाइन करने से हमें बहुत से बदलाव आते हैं अपनी बॉडी में, साथ ही साथ हमारा माइंड भी चेंज हो सकता है। तो आप फिटनेस की दुनिया में एंटर होना चाहते हो तो जरूर हो, जरूर जिम की मेंबरशिप लो, जो जो बातें आपको बताई हैं उनको फॉलो करो, बिकॉज ये बातें हमें जो है जरूर पता होनी चाहिए अगर हम किसी जिम की मेंबरशिप को लेने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भाई लाइक करना मत भूलना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर वीडियो को लाइक कर देते हो आप, और एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए कैसे लगे। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो, वहां पर आपको उसका सलूशन भी बता दूंगा आकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिनकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं।